हेलो एवरीवन, मैं नरोत्तम मुनि, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पे। वाह, ये लाइन बोल के ना मजा आ गया। और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। बहुत दिनों बाद आज फिर एक वीडियो बनाने जा रहा हूँ। कुछ प्रॉब्लम चल रहा था, उस प्रॉब्लम की वजह से मैं वीडियो कर नहीं पा रहा था, तो डिस्कस करेंगे इस प्रॉब्लम के बारे में बाद में इस वीडियो में। उससे पहले एक पार्सल आया हुआ है, चलिए पहले उसे लाते हैं। वो देखिए पार्सल। अरे तोहफा 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 लाया लाया लाया। तो दोस्तों आ गया हमारा ये पार्सल। इस पार्सल को लेते ही पहले हम लोगों ने इसको अच्छी तरह से सैनिटाइज कर लिया। वो जो कोविड का प्रॉब्लम है, इसके वजह से हर किसी को सेफ्टी मेंटेन करना जरूरी होता है। आप लोग भी अगर कोई भी चीज बाहर से लाए उसको जरूर सैनिटाइज कीजिएगा। और ये हम लोगों ने लाया है amazon.in से। इस पार्सल को क्यों लाए, इसकी जरूरत क्या पड़ी हमें, ये अभी आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे और उसके बाद इसको करेंगे अनबॉक्सिंग। तब तक के लिए बने रहिए, देखते रहिए वीडियो अंत तक। तो दोस्तों, बहुत दिनों से मेरी वीडियोस नहीं आ रही थी, तो कुछ व्यूअर्स ने पूछा भी था कि क्या हुआ, क्या बात है, वीडियोस क्यों नहीं आ रही है। तो जो प्रॉब्लम है वो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। एक्चुअली बात ऐसी है, हम लोगों के पास एक लैपटॉप है, उस लैपटॉप में हम दोनों भाई काम करते हैं। कभी कभार वहाँ पे 3D प्रोजेक्ट का भी काम होता है। और लैपटॉप का जो स्पेस है 1 TB, वो काफ़ी कम भर रहा था, काफ़ी जैसे प्रॉब्लम कर रहा था। और अभी लॉकडाउन के बाद से हम लोगों को कोई सामान मिल नहीं रहा था उसको ठीक से रिपेयर करने के लिए। तो अचानक क्या हुआ, एक दिन काम करते वक्त लैपटॉप क्रैश हो गया। क्रैश मतलब क्या बोलूँ, टेक्निकल वर्ड नहीं मिल रहा अभी मुझे। वो लैपटॉप समझ लीजिए कोमा में चला गया। बहुत मेहनत करने के बाद उसको होश में लाया गया। होश में तो आ गया, लेकिन फिर डॉक्टर ने बोला कि ये होश में तो है लेकिन इसको एक दवाई चाहिए। वो दवाई है इस बॉक्स के अंदर। तो क्या है ये दवाई, शायद आप लोगों को समझ में आ रहा होगा जो यूट्यूबर्स हैं, कि ये स्पेस का प्रॉब्लम है। तो क्या होता है, जब हम लोग यूट्यूब में इतनी सारी वीडियोज़ बनाते हैं, बहुत बड़े बड़े वीडियोज़ बनते हैं, जिसका जो स्पेस कैपेसिटी है उसको मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है। कोई भी यूट्यूबर हो, स्टार्टिंग हो या जो जिनका वीडियो चल रहा है, उन लोगों को इस प्रॉब्लम के बारे में बहुत अच्छी तरह से पता है। तो इसके अंदर क्या है ये देखेंगे अभी अनबॉक्सिंग करके। सो लेट्स अनबॉक्स इट। तो भाई लोग, अभी अपन करेंगे इसकी सर्जरी, मतलब अनबॉक्सिंग। तो इसकी अनबॉक्सिंग करते करते कुछ बातें भी कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं कि इसकी टेक्निकल चीज़ें क्या होती है, तो वो भी कुछ बता देते हैं आपको, ताकि आप भी अगर ये सब चीज़ें खरीदें तो आपको भी थोड़ा आसानी हो जाए। तो इसके अंदर पहले आप देख सकते हो ये वाला बड़ा बॉक्स दिया गया है। ऐसे पहले भी मेरे पास एक हार्ड ड्राइव था, वो 2 TB का था, पर बात ये है कि मैं थोड़ा बाहर ही रहता हूँ, तो उसकी वजह से एक अगर वो मैं लेके चला जाऊँगा तो घर के लिए एक भी एक चाहिए होगा, तो उसके लिए एक नया लाना पड़ा। और ये आप देख सकते हैं बिल दिया गया है, यहाँ पर लिखा हुआ है इसका रेट, ये 7,600 रुपया पड़ा हम लोगों को, अमेजोन से ऑर्डर किया था। तो और ऐसे मार्केट में आप इसको लेने के लिए जाओगे तो इसका रेट और भी ज़्यादा मिलेगा आपको। इसका रेट ऑलमोस्ट 10,000 के करीब बताता है मार्केट में, जो हम लोग जब लोकल मार्केट में गए थे तो 10,000 के करीब बताया था। और इसका एक और वर्जन भी आता है, ये हम लोगों का सिंपल वाला है, और एक बैकअप वाला भी आता है, बैकअप प्लस। अगर वो आप लेने जाओगे तो वो उससे भी महंगा पड़ेगा, और उसका रेट अमेजोन में ऑलमोस्ट 8,500 के करीब पड़ता है। तो ये एक्सटेंशन है, ये सीगेट कंपनी का है, आप यहाँ पर नाम देख सकते हैं, ये सीगेट कंपनी का है और ये एक्सटेंशन वाला है। और मेरे पास जो पुराना था वो ये वाला था, सीगेट का ही था, वो बैकअप प्लस था, और वो ये स्लिम होता है, थोड़ा स्लिम रहता है, छोटा रहता है, पर ये उससे थोड़ा ज़्यादा बल्की है और भारी भी होगा, पर इसका रेट उस हिसाब से कम होता है। तो उसके लिए आप अगर बजट थोड़ा कम है तो इसको प्रिफर कर सकते हो। तो इसको खोल के देखते हैं इसके अंदर क्या क्या दिया गया है। तो पहले तो ये हार्ड ड्राइव है, तो ए वाला आप देख सकते हो काफ़ी भारी है और काफ़ी मोटा भी है उसके हिसाब से, इसका पूरा पैकेट भी इसके इससे छोटा होगा, ये बहुत ही स्लिम होता है। तो ये है वो 4 TB वाला हार्ड ड्राइव।
देख सकते हो पहले हम लोग 2 GB 1 GB ये सब का मेमोरी कार्ड यूज करते थे छोटा छोटा, अब इसमें पूरा 4 TB का मेमोरी इसके अंदर आप स्टोर कर सकते हो। यहाँ पर एक USB केबल के लिए दिया गया है, वो हम आपको दिखाते हैं। इसमें एक ही पोर्ट दिया गया है, हालांकि इसमें ये अगर खरीदेंगे आप लोग बैकअप प्लस का तो इसमें आपको 2 पोर्ट मिलेगा, ये भी हम आपको दिखा देंगे एक बार खोल के। पर अभी इसको रखते हैं और देखते हैं बॉक्स में और क्या मिला है। तो इसके अंदर एक केबल दिया गया है जो डेटा केबल या फिर USB केबल आप कह सकते हैं। इसके एक साइड में लैपटॉप को कनेक्ट करने के लिए एक पोर्ट है और एक हिस्सा एक साइड में लैपटॉप को कनेक्ट करने के लिए USB दिया गया है और एक हिस्सा इसके अंदर कनेक्ट होता है, तो इसके जरिए आप डेटा ट्रांसफर कर सकते हो इसके अंदर। और इसके अलावा इसके साथ एक चार्जिंग पोर्ट भी दिया गया है, यहाँ पर चार्जिंग पोर्ट आप देख सकते हो। तो और ये इसका चार्जर है और एक एक्स्ट्रा चार्जिंग के लिए दिया गया है। और ये क्योंकि ये सब इंडिया में इस चार्जर केबल को मैं आपको दिखाता हूँ। क्योंकि ये चार्जिंग केबल इंडिया में नहीं चलता, ये बाहर से आया है, USA या फिर किसी यूरोपियन कंट्री में ऐसा चार्जिंग पोर्ट चलता है, पर क्योंकि हम इंडिया में इसको ऑर्डर किए हैं तो इंडियन प्रोडक्ट के लिए इंडियन चार्जिंग पोर्ट के लिए स्विच बोर्ड्स के लिए इस टाइप का चार्जर इसमें आप फिट कर सकते हैं। इसको खोलकर, इसको पुश करके इधर से खोलकर आप इसको यहाँ पर ऐसे पुश करके यहाँ पर ऐसे इंडियन वाला फिट कर सकते हो अगर चाहिए। अगर आप बाहर रहते हैं कहीं पे तो इसको भी लगा सकते हैं। तो ये हो गया चार्जर, इसके अंदर और ये बॉक्स डब्बा खाली है, इसके अंदर कुछ नहीं है। तो अगर मैं आपको उसके साथ कंपैरिजन करके बैकअप प्लस के साथ कंपैरिजन करके आपको दिखाऊं तो आप ये वाला भी देख सकते हो। ये वाला बहुत ही छोटा और बहुत ही कॉम्पैक्ट है, इजीली आप कहीं भी कैरी कर सकते हो। ये ज़्यादातर घर में रखेंगे तो उसके लिए ये सही है। अगर आप बाहर ट्रेवल करना चाहते हो या फिर ट्रेवलिंग के लिए आपको ज़रूरत है कोई हार्ड ड्राइव तो आप ऐसा लीजिए, वो ज़्यादा आपके लिए अच्छा होगा। तो अगर इसमें देखेंगे तो इसमें सिर्फ एक USB चाहिए और इस पर चार्जर नहीं चाहिए। आप डायरेक्टली एक एंड लैपटॉप में और एक इस हार्ड ड्राइव में कनेक्ट कीजिए और आप डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हो। पर इसके लिए आपको चार्ज रहना, इसको चार्ज देने की ज़रूरत पड़ती है। और ये 4 TB है, इसके लिए थोड़ा आपको ज़्यादा बल्कि लग रहा होगा। तो आप देख सकते हैं कंपैरिजन में ये कितना छोटा है उसके साइज़ से हिसाब से। इस हिसाब से अगर इसका आप 4 TB का आप लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, 4 TB 2 TB सारे का ही अमेजोन से अगर आप खरीदना चाहो। अगर आपका बजट सही है ज़्यादा है तो आप ये वाला भी ऐसा खरीद सकते हो। तो अगर नया नया अभी YouTube चैनल शुरू किए हैं तो ये सब का ज़रूरत आपको पड़ेगा तो आप डिस्क्रिप्शन से जाके ये सब खरीद सकते हो। आपको अमेजोन से खरीदने पर थोड़ा कम रेट में मिलेगा। अगर लोकल मार्केट में आप जाओगे हर एक कैपेसिटी के स्टोरेज का कीमत आपको लोकल मार्केट में 2,500 से 3,000 रुपया ज्यादा ही देखने को मिलेगा। तो अगर आप चाहो तो लिंक से जाके खरीद सकते हो। तो दोस्तों आ गया हम लोगों का हार्ड ड्राइव, अभी नो लिमिटेशन ऑफ स्टोरेज, अभी वीडियो ही वीडियो होगा। बस एक इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देना है, अगर आप ये वाला हार्ड ड्राइव लेते हैं तो आप इसका जो स्टोरेज है वो क्लाउड में सेव कर सकते हैं, लेकिन इससे ये पॉसिबल नहीं है। और भी ज़्यादा जानकारी के लिए आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, उस लिंक पे जाकर क्लिक कीजिए, देखिए आराम से अपने सहूलियत से ये सब ले लिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इसी तरह से सपोर्ट दिखाते रहिए, खुश रहिए, हंसते रहिए, हंसाते रहिए, जिंदगी में उम्मीद जगाते रहिए। हैव गुड लाइफ, लव यू टू ऑल, जय हिंद।